हेलो फ्रेंड्स, पूनम्स किचन में आज बन रही है तिल गुड़ के लड्डू। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। इसमें डलने वाली सभी चीजें हमारे लिए सर्दियों में बहुत ही फायदेमंद हैं। ये आपको ठंड से बचाकर रखेंगे, ताकत देंगे और हड्डियों को रखेंगे मजबूत। झटपट सी रेसिपी है, फटाफट तैयार हो जाते हैं ये लड्डू। सबसे पहले एक कप तिल को लो टू मीडियम हीट के बीच में भून लेंगे। तिल भूने तो इन्हें बराबर चलाते रहें। इनका कलर ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा डार्क हो गया या तिल जल गए तो फिर भी कड़वे हो जाएंगे। तिल जब भुन जाते हैं तो फूलने लगते हैं और कोई कोई दाना चटकने भी लगता है। उसी टाइम पर गैस को बंद कर देंगे और इसे हाथ के हाथ ही ट्रांसफर कर लेंगे एक प्लेट पर। गर्म कढ़ाई में नहीं छोड़ना। इनमें से मैं आधे तिल अलग कटोरी में निकाल रही हूँ, जिसे मैंने साबुत ही इस्तेमाल करना है। अब ये प्लेट वाले तिल ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें मैं पीस लूंगी। जितनी देर में तिल ठंडा हुआ है उतनी देर में मैंने गुड़ को काट कर रेडी कर लिया है। एक कप गुड़ लिया है वजन में 200 ग्राम, और देखिए अब बिल्कुल सॉफ्ट है ये गुड़। अगर गुड़ को काटते टाइम लगे कि बहुत हार्ड है, कट नहीं रहा है, तो फिर आप उसे कुछ सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर लें। बहुत ईजीली कट जाता है। आप तिल या गुड़ की कोई भी रेसिपी बनाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तिल अगर बहुत ज़्यादा पुराना हो तो चांस होता है कि उसमें जो ऑयल्स हैं वो रैंसिड हो जाएं, जो कि फिर तिल को कड़वा कर देंगे। तिल अगर सही क्वालिटी का रहेगा तो फिर उसमें भूनने के बाद एक नटी फ्लेवर आएगा, बढ़िया सी महक। गुड़ बनाते समय उसकी सफाई में जो केमिकल्स यूज होते हैं उसकी वजह से पुराना गुड़ कभी कड़वा भी हो सकता है। तो इसीलिए दोनों ही चीजें, गुड़ भी और तिल भी, टेस्ट कर ही इस्तेमाल करें। तिल ठंडा होने पर उसे मैं मिक्सी में ब्लेंड कर लूंगी, और ब्लेंड जब करेंगे तो पल्स करके चलाएंगे। थोड़ा कुछ सेकेंड्स के लिए चलाएंगे, फिर रोक देंगे, कुछ सेकेंड्स के लिए चलाएंगे, फिर रोक देंगे। ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि तिल दरदरा ना हो जाए। ये देखिए इस टेक्सचर पर, और साबुत तिल से कंपेयर करिए। अब आप देखेंगे इसमें दोनों में ही आपको फर्क दिखाई देगा। कटोरी वाले तिल में से मैं थोड़े से तिल अभी ये पिसे हुए तिल के साथ ही मिक्स कर रही हूँ। ये सब जाएंगे लड्डू के अंदर, और जो कटोरी वाला है वह गार्निश में यूज होगा। एक कढ़ाई को मीडियम हीट पर गर्म किया है और उसमें डाल रही हूँ 5 बड़े चम्मच घी। लड्डू जैसी चीज जिसे बांधना होता है, शेप देनी होती है, उसके लिए शुरू में घी कम ही डालें, फिर जैसे जरूरत हो और घी ऐड किया जा सकता है। घी गर्म होने पर मैंने इसमें मिला दिया है 1 कप बेसन। अच्छी तरह से इसे मिक्स करूंगी। मेरे की मिक्स करने के बाद भी अभी ड्राई लग रहा है, तो मैं इसमें अब 1 बड़ा चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ। बेसन डालने के बाद मैंने हीट को कर दिया था लो और मीडियम के बीच में, और उसी पर ही हमने बेसन को भूनना है। अगर ज़्यादा तेज़ हीट पर भूना तो बेसन का कलर तो बढ़िया सा आ जाएगा डार्क डार्क, लेकिन अंदर बेसन में कच्चापन होगा। बेसन भूनते वक्त कढ़ाई की वॉल्स से भी बराबर उतारते रहें, बॉटम से भी स्क्रेप करते रहें, बेसन के कोई भी लम्स ना रहें, इसलिए स्पैचुला से दबा दबा कर भूनना भी ज़रूरी है। बिल्कुल ईवन भुनाई होगी इस तरह से। मुझे इसमें घी अभी भी थोड़ा कम ही लग रहा है, तो मैं 1 बड़ा चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ। अगर आप पंजीरी बना रहे हो तो वह कम घी में भी चल जाती है, और ज़्यादा घी हो तब भी चल जाती है, लेकिन अगर लड्डू बनाना हो तो उसके लिए घी बिल्कुल सही क्वांटिटी में चाहिए। घी में बेसन मिक्स करने के बाद जब इस तरह से सॉफ्ट दिखाई दे, बिल्कुल स्मूद, समझिए ऐसी कंसिस्टेंसी जैसे ताज़ा निकला हुआ मक्खन होता है, उस तरह का हो तो समझिए आपने घी बिल्कुल सही क्वांटिटी में डाला है। बस अब इसे बराबर चलाते हुए मैं लो और मीडियम के बीच में फ्लेम को रखूंगी, इसे भून लूंगी। जब बेसन भूनता है ना तो उसमें हवा भरने लगती है, ऐसे फूल जाता है, लगेगा जैसे क्वांटिटी बढ़ गई है बेसन की। बस इसे आप इस तरह से प्रेस करते जाएं, चलाते जाएं, साथ साथ कढ़ाई की वॉल्स से भी उतारते जाएं। कुछ कढ़ाई पर चिपका रह गया वॉल्स पर तो फिर वह जल जाएगा। बेसन भूनते हुए 11 मिनट हुए हैं, और इसका कलर डिफरेंस देखिए, अब ये हो गया है गोल्डन ब्राउन, और टेक्सचर में भी देखिए अब ये ढीला ढीला हो गया है। बहुत ही बढ़िया सी महक भी आ रही है इस टाइम। गैस को मैं कर रही हूँ बंद, लेकिन कढ़ाई क्योंकि बहुत गर्म है तो मैं स्पैचुला चलाती रहूंगी, नहीं तो नीचे वाली लेयर जो है वह ज़्यादा डार्क हो जाएगी। ये मिक्स अभी इतना गर्म है कि ये भी अपनी हीट में भी कुक होता जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कैरी ओवर कुकिंग। तो इसीलिए इसे इस टाइम पर भी अभी 1-2 मिनट के लिए और चलाना ज़रूरी है। 2 मिनट इसे बंद गैस पर चलाया है, अब देखिए कलर और भी डार्क हो गया है और मिक्सचर कितना स्मूथ है। इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी एक बड़े बर्तन में, ताकि इसमें आगे बाकी चीज़ें मिलाना, मिक्स करना ईजी रहे, और थोड़ा सा ये ठंडा भी जल्दी हो जाए। ये मिक्स बस इतना ठंडा हो जाए कि आप इसे टच कर सकें। तो इसमें मिला देंगे गुड़। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप गुड़। 1 कप काट कर रेडी कर लिया है, लेकिन डालूंगी अभी 3/4 कप ही। टेस्ट करने के बाद अगर ज़रूरत लगी तो और गुड़ ऐड कर लूँगी। ये देखिए इतना गुड़ अभी बचाया है। अब गुड़ को बेसन के साथ मिक्स कर दूंगी।
इस टाइम पर बेसन अभी हल्का गर्म है तो उसकी हीट से गुड़ मेल्ट हो जाएगा। आपने गुड़ काटते टाइम जितना उसे छोटा छोटा काटा होगा उतनी जल्दी ही ये मेल्ट होगा। अभी बस गुड़ को मिक्स करके मैं 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि गुड़ मेल्ट हो जाए। ये देखिए 3 मिनट के बाद गुड़ हो गया है अच्छे से मेल्ट और मिक्सचर हो गया है बहुत ही स्मूथ। मैंने इसे टेस्ट भी कर लिया है। मेरे यहाँ पर मीठा हल्का ही पसंद करते हैं तो इतना मीठा सफिशेंट है। अगर आप तेज मीठा खाते हैं तो फिर आप बचा हुआ गुड़ जो है वह भी साथ में ही मिक्स कर लें। इसमें मैं डाल दूंगी ये दरदरा पिसा हुआ और थोड़ा सा साबुत तिल। इसको अब अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स ताकि बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सारा ही तिल। मैंने 1 बड़ा चम्मच पिस्ता और 1 बड़ा चम्मच काजू उसे छोटा छोटा काट कर रखा हुआ है इसे भी इस मिक्स में मिला देती हूँ। ड्राई फ्रूट डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो बेशक ना डालें। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब देखिए अगर आप इस मिक्स को इस तरह से बांध पाते हैं, इकट्ठा कर पाते हैं, तो यानी कि आपका लड्डू भी बिल्कुल सही बंधेगा। ये इंडिकेशन है कि आपने बिल्कुल सही क्वांटिटी में घी डाला है। लड्डू बांधने के लिए दोनों ही हथेलियों पर थोड़ा सा घी लगाऊंगी और इस मिक्स का थोड़ा सा पोर्शन लेकर अपनी हथेली के बीच में दबाएंगे इस तरह से। मिक्स हल्का गर्म ही होगा, उसी टाइम पर लड्डू बांध लेने हैं। इसे रोल करूंगी ये साबुत तिल में और लीजिए तैयार है तिल गुड़ के लड्डू। इसी तरीके से सारे ही मिक्स के लड्डू बांध लूंगी। इतने मिक्स से मीडियम साइज के 12 लड्डू तैयार हो गए हैं। बहुत ही सॉफ्ट और हेल्दी लड्डू बने हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ याद से करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन याद से क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें। अगर आप घर पर मेरी रेसिपीज ट्राई करें और इंस्टाग्राम पर शेयर करें तो मुझे याद से टैग कीजिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है पूनम्स किचन। अभी के लिए है बाय, आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।